सो गाइस, आप इसको हार्ट ब्रेक बोले या क्या बोले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रशांत नील जो सलार और केजीएफ मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद बोला इंटरव्यू में कि ये जो मूवी है सलार यूनिवर्स, ये केजीएफ से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, मतलब उस यूनिवर्स में है ही नहीं। तो इसका मतलब यश और प्रभास का आगे जाके शायद मैचअप ना हो, बट यू नेवर नो भाई। अब जैसे ये यशराज वाले स्पाईवर्स या कॉपवर्स बना रहे हैं, इन लोग ने भी थोड़ी सोचा था कि आगे जाके इनका मतलब यूनिवर्स मैच करेंगे नहीं करेंगे। भाई कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। शायद अभी के लिए यूनिवर्स अलग रखा होगा सलार और केजीएफ का, बट व्हाटएवर इट इज भाई, फाइनल ट्रेलर आ चुका है सलार का। मुझे अभी ईमेल आया है तो यार फटाफट से बैठ गया मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इससे पहले जो ट्रेलर आया था उसमें थोड़ा एक्शन कम दिखाया था, लेकिन गोर ब्लड शेड बहुत दिखाया था। तो आई एम होपिंग कि इस वाले ट्रेलर में थोड़ा एक्शन ज्यादा दिखाएं, क्योंकि उस वाले में डायलॉग्स थोड़ा ज्यादा थे। बट एनीवेज चलो यार फटाफट से देखें और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। वाह, लेकिन बचपन में तुम्हें एक कहानी सुनाता था पर्शियन साम्राज्य के सुल्तान को, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। ब्रो ये क्या चल रहा है, पहले वाले ट्रेलर में जेंगिस खान की थोड़ी सी स्टोरी से रेफरेंस लिया, अब यहां से पर्शियन, इतने पुराने जमाने की बातें चल रही हैं भाई। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपनी खूंखार सेना को बिना बताए सिर्फ एक को कहता था। मैकेनिक को स्पैनर दो, रिंच दो, तो कैसे इस्तेमाल करना है जानता है, गन दोगे तो क्या करेगा। अबे ये क्या ट्रेंड बन गया है क्या, पहले तो केजीएफ में शुरू हुआ था यश भाई सिगरेट फूंक रहे हैं, नहीं सिगरेट फूंक नहीं रहे हैं, पहले तो मशीन गन करके मारते हैं और जब मशीन गन गर्म हो जाती है वहां से सिगरेट अपनी चलाते हैं। उसके बाद एनिमल मूवी, वो भी साउथ इंडियन डायरेक्टर, वो तो भाई डैडी मशीन गन तीन तीन वाली दर्र। ये क्या है, ये तो भाई कितने सारे है, जैसे कि ऑटोमेटिक ड्रोन वाली मशीन गन होती है। अरे भाई ये अलग ही लेवल के, ये मेरे को लगता है कॉम्पिटिशन हो गया भाई। अबे वो अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? सॉरी भाई मैं पीछे लेता हूँ। अच्छा वापस से शरद केलकर ने आवाज दी है, प्रभास की आवाज हमेशा शरद केलकर ही देता है क्या? एक सेकेंड लेट मी चेक इट आउट, पता नहीं भाई डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दिख रहा, गूगल में जाके देख लूंगा, लेकिन आज शरद केलकर की आवाज लग रही है। ओके एक एंट्री करनी है, सुल्तान जो भी चाहे वो उसे ला कर देता था, ओ भाई, और जो ना चाहे उसे मिटा देता था। Wait, I need a drink. भाई क्या है ये, इतना एक्शन पैक्ड दारू है क्या? बस इतना ही। खानसार में कैलकुलेटर रख के कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ब्रो ये सीन अगेन दिखाया गया फर्स्ट ट्रेलर में था। कैलकुलेटर रख के कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये देखो पूरा टांग उसका दो हिस्सों में करके हड्डी खून सब दिख रहा है, बहुत गोरी मूवी होने वाली है यार, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन पहले ट्रेलर में मैंने थोड़ा एंड में बोला था कि यार एक्शन नहीं दिखने को मिला, मैंने कहा था सेकंड ट्रेलर में पक्का लाएंगे, ले आए भाई, काश मेरी सुन ली क्या इन लोगों ने। आंसर अब लाल होगा, इसलिए जो कैलकुलेट ही ना हो पाए ऐसा पागल लाया हूं, या तो दहकती आग से नहीं तो इनके खून से। उसका नाम याद है काका? ओ भाई खानसार ने बहुतों की कहानी बदली है, पर खानसार की कहानी तब बदली
जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। अरे यार, ये हर कहानी में क्यों ऐसा होता है, कट्टर दो दुश्मन बन जाते हैं यार। सीज़फ़ायर। ब्लडी माइंड ब्लोइंग भाई, गूज़बम्स आ गए मेरे को। मैं आपको सच बताऊं, आई एम अ वेरी बिग शाहरुख खान फैन बचपन से लेके, ऑब्वियसली सभी होंगे। मैंने दोनों ट्रेलर देखे हैं, डंकी भी देखा है, ये भी देखा है। भाई मुझे इसमें गूज़बम ज्यादा क्यों आया, दो डंकी में मेरे को थोड़ा कनेक्शन फील हुआ इमोशनली, बिकॉज राजू रानी हमेशा बहुत इमोशनल कनेक्शन फील बनाते हैं, लेकिन ये मूवी भाई मासी है यार, पागल कर देने वाली, एक्शन पैक, गोरी और स्टोरी लाइन भाई। और मैंने एक और चीज़ देखी है, प्रशांत नील भाई जब भी, मतलब इनकी जो जितनी भी मूवीज़ बनी है, इनका जो टोन है ना वो बहुत डार्क टोन रहता है, डार्क एंड ब्लैकिश टोन में रहता है, इनका थीम वैसा रहता है, KGF जैसा थीम है, इसलिए सबको लग रहा था कि सेम यूनिवर्स में, सिंस अब ये सेम यूनिवर्स में नहीं है। थोड़े मॉडर्न वेपन्स भी दिखाए हैं भाई इसमें, मॉडर्न वेपनरी भी है, बड़ी बड़ी ट्रक्स, व्हाटएवर इट इज, लेकिन भाई ये अंगार होने वाली है, 1000 करोड़ लिख के ले लो भाई, आराम से कमा लेगी, बिकॉज अब लगता है ये ट्रेलर देखने के बाद तो भाई मेरा तो दिल भी मानने लगे। और ये पिक्चर ना नॉर्मल घर बैठने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और ना ही स्मॉल स्क्रीन में, स्मॉल स्क्रीन ही बोलूंगा थिएटर को भी, क्योंकि ये मूवी है आईमैक्स में देखने वाली, आईमैक्स की स्क्रीन सबसे बड़ी होती है और उसका साउंड सराउंड भी अच्छा होता है, साउंड सराउंड सिस्टम, तो भाई आईमैक्स में ही जाके देखना। आई नो स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा 600-700 की टिकटें होंगी, बट ये वर्थ होगी भाई। अब मुझे नहीं पता इसका रन टाइम कितना होगा, बट वॉट एवर इट इज, दिस मूवी विल बी अ ब्लॉकबस्टर, प्रभास विल बी सुपर हिट आफ्टर दिस भाई, ओह माय गॉड, आफ्टर एनिमल जो उसमें वायलेंस दिखाया था भाई, ये इसमें तो मतलब पैर के दो टुकड़े हो गए, हड्डी खून दिख रहा है, उस इतना वायलेंस तो चलो था एनिमल में, ऑफकोर्स था, लेकिन अगर वो काट भी रहा है तो वो दिखाया नहीं था कि काट रहा है, वो सिर्फ ब्लड दिखाया था, इसमें तो काटते हुए दिखा रहे हैं। साउथ इंडियन डायरेक्टर्स भाई, रूलिंग द इंडियन सिनेमा ब्रदर, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स को लेके कर रहे हो या साउथ इंडस्ट्री को एक्टर्स। अब मैं बोलूं, अब बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री नहीं करना चाहिए, नाउ इट्स टाइम टू से इंडियन फिल्म, एग्जैक्टली साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, अबे क्या क्या, दोनों एक ही तो है भाई। जब एनिमल में साउथ डायरेक्टर, बाकी सारे एक्टर बॉलीवुड वाले, तो भाई क्या अलग अलग तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो भाई, दिस इज इंडियन इंडस्ट्री, जैसे हॉलीवुड एक ही है ना, चाहे वो नॉर्थ का हो, कैलिफोर्निया का हो, न्यूयॉर्क का हो, या लॉस एंजलिस का हो, व्हाट एवर इट इज है तो एक ही इंडस्ट्री है ही ना, या ब्रिटिश, अब जैसे जेम्स बॉन्ड, वो भी तो ब्रिटिश एक्टर्स होते हैं, ब्रिटिश डायरेक्टर्स होते हैं, थोड़ी ना उनको यूके वाला बोला, हॉलीवुड ही बोला जाता ना भाई, तो इनको क्यों नहीं बोलते हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री अब करना छोड़ दो भाई, ओनली वन। अब ये टाइम है भाई, सच में वायर जो दिखती है जीपसी लगती है मेरे को। एनीवेज गाइस, पहले तो 5 में से 5 स्टार देता हूँ, अपना ओपिनियन मुझे बता देना, ब्लॉकबस्टर फैंटास्टिक, अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे कभी भी देखने जाओगे तो मुझे कमेंट बता देना आपको कैसा लगा, वो भी बता देना। आई थिंक दैट फॉर टुडे गाइस, मैं हूं आपका वन बी स्टार की अमर बेदी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलता हूं मैं आपको, बाय।